फ्रेंड्स, घर से पढ़ावा अभियान के अंतर्गत टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप। नाउन, व्हाट इज अ नाउन? व्हाट इज नाउन? Yeah. Noun is the name of any person, place or thing. अर्थात संज्ञा किसी भी person, स्थान और वस्तु का नाम संज्ञा है। Dear students, आपने अपने surroundings बहुत सारी चीजों को देखा होगा, बहुत सारी चीज आप देख भी रहे हैं। क्या आप को कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है आपने चारों ओर अपने सराउंडिंग्स जिसका नाम ना हो? शायद आप लोगों का आंसर आएगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका नाम नहीं है। इसलिए संक्षिप्त में इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड अर्थात कोई भी नाम बताने वाला शब्द वर्ड संज्ञा कहलाता है। नाउन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो है विजिबल, विजिबल और दूसरा है नॉन विजिबल। विजिबल वो नाउन है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसका अपना एक आकार होता है। बट नॉन विजिबल नाउन जिसे हम ना तो टच कर सकते ना जिसे हम देख सकते, केवल फील कर सकते हैं। जबकि विजिबल नाउन को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बहुत ही आसान डेफिनेशन के माध्यम से हर एक नाउन को अलग अलग समझेंगे। प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात वो संज्ञा जो हमें किसी विशेष, किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी पार्टिकुलर स्थान के बारे में या किसी पार्टिकुलर वस्तु के बारे में बताए, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल, सोनल, दिल्ली, रामायणा एक्सेट्रा। राहुल अपने आप में एक पार्टिकुलर राहुल लड़की का नाम है, सोनल एक लड़की का नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है, रामायणा एक थिंग, एक वस्तु का नाम है। प्रॉपर नाउन अपने आप में अकेला होता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ पॉइंट याद रखने योग्य हैं। पहला है कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, अर्थात अपर केस में होता है, अपर केस। प्रॉपर नाउन का
फर्स्ट लेटर वो कैपिटल लेटर होता है, दूसरा प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल ए एन द का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन सिमिलर होता है, इसलिए प्रॉपर नाउन के साथ वर्ब भी हमेशा सिमिलर आती है। प्रॉपर नाउन को हमें पैरेलल नहीं बना सकते। सेकेंड इज कॉमन नाउन। द नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, अर्थात वो नाउन जो किसी स्पेसिफिक किसी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में ना बता करके हमें पूरी क्लास के बारे में बताए, किसी पर्सन की क्लास, किसी प्लेस या किसी थिंग की पूरी क्लास, उसकी पूरी जाति का बोध कराए, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, स्टूडेंट, प्लेयर, गर्ल, डॉग, चेयर, शिप, काउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनसे बॉय से किसी पार्टिकुलर लड़के का पता नहीं चलता, इसी तरह से स्टूडेंट, प्लेयर, गर्ल्स। वास्तव में जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन से ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल राहुल भी एक लड़का है और रौनक भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है कि दोनों क्या हैं? बॉय। इसी तरह से सोनाली, राधिका, सोनाली एक पार्टिकुलर एक प्रॉपर लड़की का नाम है, राधिका भी एक प्रॉपर लड़की का नाम है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या है दोनों में कॉमन? वो है गर्ल। दोनों गर्ल है। राहुल छठी क्लास का स्टूडेंट है, रौनक सेवन क्लास का स्टूडेंट है, दोनों में कॉमन क्या हुआ? दोनों में कॉमन हुआ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हैं। इसी तरह से डॉग है, चेयर है, शिप है, काऊ है, इनसे हमें किसी एक पार्टिकुलर शिप का, काऊ का या डॉग का पता नहीं चलता, इनसे हमें केवल इसकी पूरी क्लास अर्थात इसकी जाति का बोध होता है। कॉमन नाउन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो याद रखने योग्य हैं, जिस तरह से प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर होता है, लेकिन कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर वो लोअर केस में अर्थात स्मॉल लेटर में होता है। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल एन द का यूज होता है। कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अर्थात कलेक्टिव नाउन वो नाउन होती है जो किसी व्यक्ति, जानवर या अन्य वस्तुओं के समूह को डिनोट्स करती है, के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास जो बहुत सारे स्टूडेंट से मिलकर के बनती है, टीम जिसमें बहुत सारे प्लेयर होते हैं, हर्ड जिसमें बहुत सारी गायें होती हैं, फ्लॉक ए ग्रुप ऑफ शीप, फैमिली जिसमें परिवार के बहुत सारे मेंबर होते हैं, आर्मी जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, कमेटी, बेबी एक्सेट्रा। वास्तव में
कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन से ही बनती है। जब कॉमन नाउन को एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है। जब हमने बहुत सारे स्टूडेंट को इकट्ठा किया तो उससे क्या बन गई, एक क्लास बन गई। क्लास, क्लास जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। टीम, टीम बनती है बहुत सारे प्लेयर से। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा एमएस धोनी, एक लिखा विराट कोहली, एमएस धोनी एक पार्टिकुलर एक प्रॉपर नाउन है, किसी तरह से विराट कोहली भी एक प्रॉपर नाउन है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों क्या हैं, दोनों हैं प्लेयर। इस प्रकार प्लेयर एक कॉमन नाउन बन गया। लेकिन जब हमने इन बहुत सारे प्लेयर को इकट्ठा किया, प्लेयर को इकट्ठा किया तो इससे बन गया टीम। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है वो भी कॉमन नाउन से भी बनती है। कलेक्टिव नाउन के बाद आता है मैटेरियल नाउन। द नाउन विच डिनोट्स मैटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर थिंग्स कैन बी मेड। मैटेरियल नाउन वो नाउन होती है जो किसी तत्व, जो किसी पदार्थ या सब्सटेंस से, सब्सटेंस होता है जिससे हम कोई दूसरी चीज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड से हम बहुत सारे दूसरे गहने बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं। इसके अलावा वुड, वुड से बहुत सारा फर्नीचर बन सकता है। आयरन है, मिल्क, सैंड, रेट, शुगर एक्सेट्रा। ये मटेरियल और भी देखिए, कॉटन, जैसे कॉटन, कॉटन से भी बहुत सारे आइटम बन सकते हैं। तो मटेरियल नाउन के बारे में कुछ याद रखने योग्य बात है कि मटेरियल नाउन होती है उसका प्लुरल नहीं बनता। इसके साथ आर्टिकल ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा। यदि हम मटेरियल नाउन के साथ एस लगाकर के इसका बहुवचन बनाने की कोशिश करें तो उसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वुड लकड़ी, वुड को वुड के साथ हमने एस लगाया तो इसका अर्थ पूरी तरह से चेंज हो गया। वुड लकड़ी, जबकि वुड से होता है फॉरेस्ट या जंगल। इसी तरह से आयरन लोहा है, एक मेटेरियल नाउन है, लेकिन जब हमने आयरन किया तो इसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया, वो बन गया चेन या कैट, जंजीर या बेड़िया। इसी तरह से सैंड रेत होता है, जबकि सैंड से होता है डेजर्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन एक्सेट्रा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिस नाउन को हम ना तो देख सकते, ना इसको टच कर सकते,
केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, हम इसे टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से बहादुरी, ब्रेवरी, नॉलेज, विजडम, हैटर्ड एक्सेट्रा। नंबर वन है आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होती है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा नाउन एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।